जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें अभी आप देखने जा रहे हैं चैत्र सुद तेरस रविवार 21 अप्रैल 2024 को शासन प्रतिश्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन प्रसंग में महाराष्ट्र प्रांत की विश्व प्रसिद्ध धर्मनगरी जलगांव में 18 से 22 अप्रैल 2024 तक आयोजित हुए पंच दिवसीय महाआयोजन की भव्य झलकियां। इस मंगलमय महाआयोजन को पावन सानिध्य एवं उद्बोधन प्राप्त हुआ आचार्य भगवंत पद्म भूषण परम पूज्य श्रीमद विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहब का। 18 अप्रैल 2024 इस पंच दिवसीय महाआयोजन का प्रथम दिवस था। इस दिन विश्व शांति सद्भावना एवं मतदान जन जागरण बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसके लिए आरंभ स्थान सुनिश्चित किया गया जलगांव का खानदेश सेंट्रल प्रांगण। रैली हेतु एक तरफ पुरुष वर्ग तैयार दिखाई दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ महिला वर्ग में पूरे जोश खरोश के साथ इस रैली के लिए उत्सुकता नजर आ रही थी। इतने में ही कार्यक्रम स्थल पर महामंत्र नमोकार का मंगलमय उच्चारण किया गया और कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठ गणों का स्वागत किया गया। इसी बीच कार्यक्रम को शोभा प्रदान करने पधारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण महोदय का कार्यक्रम स्थल पर भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। तत्पश्चात विशिष्ट अतिथि मान्यवर द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रेष्ठ गणों को शपथ ग्रहण कराई गई। हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेता है कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। और फिर विशिष्ट अतिथि मान्यवर के कर कमलों द्वारा ही हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। कार्यक्रम में आगे आयोजक मंडल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस विज्ञप्ति दी गई एवं आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। प्रभु महावीर च्या विषयावर त्यांचा एक व्याख्यान है, कल आज और कल। वक्ते आदर्श जैन हे उद्बोधन करतील आणि एक मंगल भावना म्हणून सामायिकने त्या दिवसाची 20 तारखेची सुरुवात होईल। प्रेस लेने का मुख्य उद्देश्य हम 5 दिवसीय भगवान महावीर जन्म कल्याणक 2623 बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, इसकी प्रेस नोट आपको सबको दे रहे हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देके सब तक पूरी माहिती पहुँचाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। और 21 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का व्याख्यान है और ये सभी को इसकी जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें और इसका हमको कवरेज अच्छे से अच्छा देवे। 19 अप्रैल 2024 इस पंच दिवसीय महायोजन का द्वितीय दिवस था। इस दिन सायंकाल की बेला में जलगांव के छत्रपति संभाजी राजे नाट्य गृह परिसर में ट्रेजर हंट 2024 प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। यहां आपको बता दें कि इस ट्रेजर हंट 2024 प्रतियोगिता की शुरुआत जलगांव के खानदेश सेंट्रल प्रांगण से सुबह 9 बजे हुई। इस प्रतियोगिता में जलगांव शहर के सकल जैन समाज के 16 से 50 वर्ष के विवाहित एवं अविवाहित युवक युवतियों एवं महिलाओं ने भाग लिया था।
इस समारोह में इस प्रतियोगिता में जीतने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। तत्पश्चात जलगांव के संभाजी राजे नाट्यगृह में शाम 7:30 बजे एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लुक एंड लर्न एवं अन्य महिला मंडलों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इस सांस्कृतिक सभा का शुभारंभ महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण गीत से हुआ। कार्यक्रम के अगले सोपान पर स्वागत गीत प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात सभा में उपस्थित श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा मंच से सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। बाल गोपाल भाई और बहनों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कार्यक्रम को जीवंत बना दिया है। विजेता बनने वाले सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक बधाई एडवांस में देता हूँ। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप आने वाले सभी कार्यक्रमों में भी उत्साह के साथ भाग लें। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं रुकता हूँ, मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेन, जय महावीर, धन्यवाद। और फिर मंगल चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद कार्यक्रम विधिवत शुरू हुआ और प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। लुक एंड लर्न के इस प्रोग्राम को खुले मन से, ज्ञान चक्षु से अनुमोदना हेतु देखते हैं और जिन शासन के इन नन्हे कलाकारों का उत्सव बढ़ाते हैं। और फिर क्रमबद्ध रूप से अनेकानेक सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रस्तुतिकरण मंच से किया गया, जिसमें लुक एंड लर्न के 2.5 वर्ष की उम्र से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक के 170 बच्चों द्वारा बेमिसाल सामूहिक प्रस्तुतियां दी गईं। भगवान महावीर के निर्वाण के 980 साल तक शुद्ध ज्ञान की परंपरा, यानी भगवान के पास से गंधर्वों को, गंधर्वों के पास से आचार्य भगवंतों को और उनके पास से मुनिवरों को, इस तरह परमात्मा का ज्ञान सबको मिलता रहा। परंतु समय परिवर्तित हुआ, विनय घटने के कारण शास्त्र विसराने लगे, इसलिए परमात्मा महावीर के निर्वाण के 980 साल बाद बनी एक घटना ने
देवर्दि गणेश रमण श्रमण को आगम लिपिबद्ध करने के लिए प्रेरित किया। धन्य है मुनिवर आप, धन्य है। हम भी आपके इस महान कार्य में कुछ सेवा देना चाहते हैं। सारी संपत्ति, शक्ति और धन दौलत आपके श्री चरणों में अर्पित है। कृपा करे गुरुवर, कृपा करे। आगम आगम पूजा कीजे, पूर्ण ज्ञान है समाया। एक एक शब्द में अनंत शास्त्र, एक एक शब्द में अनंत शास्त्र, सच्चा ज्ञान हमारी जैन विरासत, जैन संस्कृति, इसका सुंदर दर्शन प्रस्तुति आपके सामने लुकनलन बच्चों ने दी है। बहुत बहुत अभिनंदन। माहौल को आज सजाया है हमारे लुकनलन के छोटे छोटे बच्चों ने। मैंने स्वीटूडी और भी एक बहुत बढ़िया तब बताया है विनय, घर के छोटे और बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करना, घर के बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं करना और सभी को खमत खाम ना करना। लीला ये तब तो तुझी पे सूट करता है, छोटे और बड़ों का लियास तो रखेगी। चातुर्मास काल में गुरुदेव का नगरी में प्रवेश, यह माष्टुष मुनि के जीवन चरित्र पर आधारित नाटिका है। यह पन्नावन्ना सूत्र के 23वें अध्ययन से ली गई है। धम्मो मंगलम, अरे यह मुझसे क्या हो रहा है, यह गाथा तो मुझसे याद ही नहीं हो रही है, मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ। दाल, ये कौन सी दाल है? यह काली उड़द की दाल है, काले छिलके से सफेद दाल अलग अलग कर रही हूँ, तूष और माश को अलग अलग कर रही हूँ। तूष और माश अलग अलग क्यों? तूष यानी छिलका, माश यानी दाल, दोनों को अलग अलग कर रही हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? तुष और माश अलग अलग, इतने दिन तो मैं दोनों शब्दों को एक ही समझ रहा था, लेकिन अब समझ में आया। जैसे छिलके से दाल अलग है, जैसे छिलके से दाल अलग है, ठीक वैसा हमारा शरीर हमारी आत्मा से अलग है, ठीक वैसा हमारा शरीर हमारी आत्मा से अलग है। राजन, प्रसन्न चंद्र राजर्षि को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। भगवान, अभी तो वह सातवीं नरक में जा रहे थे, अब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, ये कैसे? हे राजन, भावना का जीवन में बहुत महत्व है। अशुभ भावना से जीव नरक का बंध करता है और शुभ भावना से जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। राजा श्रेणिक प्रसन्न मुद्रा से भगवान महावीर को वंदन नमस्कार कर महल की ओर प्रस्थान करने लगे। तो देखा आपने कैसे खेल ही खेल में बच्चे हिंसात्मक व रौद्र रूप में आ गए और इन भावों की हिंसा से वे नारकीय बंद भी कर सकते हैं। तो आइए आज महावीर जन्म कल्याणक दिवस के पावन अवसर पर हम सब हिंसात्मक गेम्स ना खेलने का संकल्प लेते हैं। जब हम बच्चे थे तब ABCD सीखना हमारे लिए संघर्ष था। जब कॉलेज में गए तो अच्छे मार्क्स से डिग्री हासिल करना हमारे लिए संघर्ष है, लेकिन असली संघर्ष तो इसके बाद शुरू होगा जब हम जिंदगी में प्रवेश करेंगे। लेकिन इसी संघर्ष की परिभाषा लड़कियों के संदर्भ में अलग हो जाती है। कभी सोचा है क्यों हो जाती है?
हमें हमारे समाज, हमारा परिवार, हमारे मित्र, इन तीनों का साथ एक साथ मिलते हुए नज़र नहीं आता है। इसी वजह से अधिकांश लड़कियां अपना हौसला खो देती है और कहीं खो जाती है। पर कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्होंने अपने धर्म, शील, संस्कार को न छोड़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल किया और अपना नाम इतिहास में लिखाया, जैसे कल्पना चावला, किरण वेदी, सिंधु ताई, आनंदी बाई और हमारे जलगांव के महिला मंडल्स। इन्होंने सिद्ध किया कि आपके लाइफ में ऊपर नीचे तो होगा ही। अगर आप हाउसवाइफ भी है तो आपके लाइफ में ऊपर नीचे होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको आपके प्रॉब्लम को समझना है, उनका दृढ़ता से सामना करना है और उस पर समाधान निकालना है, जिससे हम हमारे धर्म, शील, संस्कार को बचाकर आगे बढ़कर लक्ष्य को हासिल कर सके। तो आइए देखते हैं सुशील बालिका मंडल की यह सुंदर प्रस्तुति। वो शक्ति है कि जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान है, जिसके हाथ में कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है, जो चक्रवात की लहर के सर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को झूम ले। इसके बाद आता है 20 अप्रैल 2024 का शुभ दिन, जो कि इस महामहोत्सव का तीसरा दिवस था। इस दिन दोपहर के समय जलगांव के खानदेश सेंट्रल प्रांगण में विरति वृंद द्वारा एक बेहद सुंदर कार्निवल का आयोजन किया गया, जो कि जैन धर्म की थीम पर आधारित था। कार्यक्रम परिसर पूरी तरह से तैयार था। कार्निवल से संबंधित सजी स्टॉल्स बेहद लुभावनी नजर आ रही थी। इतने में ही कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठ मान्यवर के कर कमलों द्वारा फीता खोलकर कार्निवल का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण किया गया। बोलो श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय। और फिर मंगल दीप प्रज्वलन हुआ, जिसकी आभा से संपूर्ण कार्यक्रम परिसर जगमगा उठा। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों का मंच से भव्य अभिनंदन और स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों सहित अन्य लोगों ने कार्निवल में सजी विविध स्टॉल्स का अवलोकन किया।
दोपहर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के बाद सायंकाल की मनोरम बेला में जलगांव के छत्रपति संभाजी राजे नाट्य गृह में श्री सकल जैन भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। तो वहीं सदा ज्ञान भक्ति मंडल एवं अन्य महिला मंडलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गईं। नमोकार महामंत्र के मंगलाचरण द्वारा इस सभा का मंगलमय शुभारंभ किया गया। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए प्रभु हम पर मेहरबान है। बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं, जो आप हमारे मेहमान हैं। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों के सम्मान में मंच से सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात आयोजक मंडल के श्रेष्ठ मान्यवर द्वारा मंच से सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति की महिला सदस्य एवं मंच के सामने विराजित शहर के आमंत्रित सभी भाइयों एवं बहनों को एवं आप सभी के सामने भगवान महावीर के चरित्र का संदेश अपनी कलाओं के माध्यम से हमें प्रेषित करने वाली सहभागियों को इस वर्ष के महावीर जन्म कल्याणक के अध्यक्ष होने के नाते सभी को सादर सप्रेम जय जिनेन तहे दिल से स्वागत। कल सभी मंडलों के द्वारा नाटिका के माध्यम से प्रभु भगवान महावीर का संदेश हम तक पहुंचाने का सफलतम प्रयास किया गया। आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। कार्यक्रम में आगे सदा ज्ञान भक्ति मंडल की 70 बहनों द्वारा बेमिसाल नाटिका प्रस्तुति दी गई। अपने गुणों को हम लोगों ने कैसे निखारना है। तत्पश्चात एक सुंदर समूह गीत के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पुरस्कार वितरण भी किया गया। सभी तीर्थंकर अतीत वर्तमान के मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ। शिलाने रात्रि में देखे चांद सपन सुहाने मन में लगे मार निशाने झूले रे बलराम झूले रे मारा वीरा जी जन व्याज रे अवसर मन लाग्यो घर घर खुशियां चाहिया प्रभु ने जब जन्म लिया घूंगर Thank you.
सुरेश दादा जैन हो, चाहे हो दानवीर स्वर्गीय रतनलाल जी बाफना या हो ईश्वर लाल जी ललवानी, जलगांव नगरी के इन दानवीरों ने जैन समाज का सम्मान हमेशा ही ऊंचा रखा है। और ऐसी ही थी प्रभु महावीर की परम भक्त सुश्राविका रेवती, जिसने शुद्ध भाव से औषधि दान देकर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। सभी सेठों के यहाँ खीर बनी है, मुझे भी खीर खानी है, तुम बनाओगी ना मेरे लिए खीर? मेरा दिन कब निकलता है और सूर्य कब अस्त होता है कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। आप सभी के राग रंग में मैं इतना व्यस्त होकर अपने पुण्य का उपभोग कर रहा हूँ, ना तो व्यवसाय करने का झंझट और ना ही महल के नीचे उतरने का कष्ट। ये बात तो एकदम सच कही है प्राणनाथ आपने, जब से शादी करके आई हूँ एक बार भी नीचे नहीं उतरी, जो भी चीज की आवश्यकता होती है तुरंत हाजिर हो जाती है। सच कह रही हो दीदी, आवश्यकता की सारी चीजें तो यहीं पर आ जाती है। दान दिया धन गया, निष्फल नहीं सफल हुआ। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हमारे यहाँ जैन युवा फाउंडेशन की तरफ से गौतम लब्धि कलश की दिए जा रहे हैं। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर मेरा मानना है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और अगर मोक्ष को पाना है तो कठिन से कठिन तब भी मंजूर है। श्रद्धा जी, मैं कुछ पूछना चाहूंगी। दीपाली जी, जनता के कुछ सवालों पर गौर करते हैं। दीपाली जी, हम सब ये जानना चाहेंगे आपके हिसाब से तप की परिभाषा क्या है? तप, तप कर्मों का सफाया है। तप जिनेश्वर के वचनों की प्रतिष्ठा है। तप आत्मा की पूजा है। तो तप सम्यक का, तप मोक्ष का सम्यक द्वार है। और तप जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। तप जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। अनुप्रिय राजगृह नगरी के बाहर अर्जुन माली 6 पुरुष और 1 स्त्री को मारता हुआ घूम रहा है।
इसलिए सारे नगर में जाकर यह घोषणा करो कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यवाही नगर से बाहर ना निकले, अगर निकलते हैं तो शरीर हानि हो सकती है। यह सूचना 2-3 बार कर मुझे सूचित करो। चत्तारी परमंगानी दुल्लानी जंतुनो मानु सत्तम सुई सद्दा संजममीय वीरियम। जहां एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ रहा था, तो वहीं इसी दौरान श्री सकल जैन भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा विधिवत प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और नवकारसी लाभार्थी छाजेड़ परिवार के घर जाकर स्वागत व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वो लोगों का सिर्फ एक प्रोसेजर निकालते थे और मंडल के जितने सदस्य हैं वो सब मुझे खाना खाके महावीर जन्म कल्याण महोत्सव का प्रोग्राम होता था। लगभग 2000 के अंदर वीके जैन साहब जब नव मंडल के अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में पहली बार श्री शंका नवकारसी का खाना जीएस ग्राउंड के ऊपर हुआ था और उसके बाद में परंपरा अपनी चलती आ रही है। जलगांव के अंदर लगभग अपना मारवाड़ी समाज या जैन समाज 200 साल से जलगांव में आया हुआ है। हर्ष हर्ष जय जय। और इस तरह समूह छाया चित्रों के संकलन के साथ इस दिन के कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। अप्रैल 2024 इस महामहोत्सव का मुख्य दिवस था। चूंकि यह चैत्र सुद तेरस अर्थात भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याणक तिथि थी, सो इस दिन भगवान महावीर का 2623वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस दिन प्रातः की सुमंगल बेला में श्री वासु पूज्य जी जैन मंदिर प्रांगण में सकल जैन श्री संघ द्वारा जैन ध्वज वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर काफी गहमा गहमी थी। इतने में ही श्री दिलीप जी गांधी द्वारा सभी का स्वागत किया गया। सकल संघ द्वारा आयोजित भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव कमेटी की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। पूरा साइंस आज भगवान महावीर के वचनों पर चल रहा है, कोई माने या ना माने, पर भगवान महावीर के वचन आज पूरे विश्व के अंदर माने जाते हैं। इसी के साथ भगवान महावीर के शुभ नाम के सुमिरन के साथ मंगलमय ध्वज वंदन किया गया। ऐसे मंगल क्षण पर सभा में उपस्थित सभी मान्यवरों द्वारा ध्वज वंदन के परिपेक्ष में शुभ गीत गाया गया।
इसी के साथ भगवान महावीर जन्म कल्याणक शोभा यात्रा की तैयारी हो गई और जैन युवा फाउंडेशन द्वारा श्री वासु पूज्य जी जैन मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के पश्चात खानदेश सेंट्रल प्रांगण में ही जैन ध्वज वंदन एवं मुख्य समारोह आयोजित किया गया। श्री नितिन जी चोपड़ा द्वारा नवकार मंत्र का पाठन किया गया एवं मंच संचालन की बागडोर संभाली गई। नमो लोए सौवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरि, नमो लोए सौवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, मंगलाणं च सवेसिम पडमं हवै मंगलम। तत्पश्चात मंच से सुंदर भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में आगे मंगल ध्वजारोहण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। जैन धर्म की ये शिव भगवान महावीर स्वामी जी के प्रति अपना श्रद्धा भाव। और फिर समिति अध्यक्ष श्री पारस जी रांका द्वारा सभा का स्वागत करते हुए मंगल उद्बोधन दिया गया। मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन, दिल की गहराइयों से स्वागत। आज इस अपूर्व शुभ दिन के लिए परम पिता परमात्मा का मैं आभारी हूँ, जिन शासन प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक और महावीर वाणी के उद्घोषक आचार्य देव का यहाँ पर विराजमान हम सभी के लिए दिव्य संयोग है। इतिहास साक्षी है कि महावीर प्रभु ने मानव जाति के लिए लाभदायक जीवन की राह दिखाकर हम सबका जीवन आसान किया है। आज सकल जैन श्री संघ के तत्वावधान में आयोजित यह जन्म कल्याणक महोत्सव विशेष है। जलगांव की पुण्य धरा पर पुण्यशाली परंपरा का यह महोत्सव समूचे भारतवर्ष को प्रेरणादायी है, क्योंकि सभी संपदाएँ मिलकर यह उत्साह मनाने जा मना रहे हैं।
आज की यह विशाल उपस्थिति यही दर्शाती है कि हम सभी एकता के परम पवित्र सूत्र में बंधे हुए हैं। आप इस जन समुदाय को देखकर यह पहचान नहीं पाओगे कि कौन कौन से संप्रदाय से है, और यही हमारी हृदय स्पर्शी सफलता भी है। हम एक और एक रहेंगे, यही हमारा जीवन का सूत्र भी है। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा और अतिथि सम्मान की परंपरा का सुंदर निर्वहन किया गया। तत्पश्चात मंच से श्री स्वरूप लुंकड़ जी द्वारा सम्मान पत्र का वाचन किया गया। इसी दौरान लाभार्थी परिवार को सम्मान पत्र प्रदान किया गया। आपके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर हमें गर्व है, आपके जीवंत सुसंस्कारों पर। प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है आपकी शक्ति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े और आपकी बुद्धि और आपकी शक्ति का लाभ इस सृष्टि को चिरकाल तक मिलता रहे। इतने में ही अतिहर्षित और अभिभूत हो लाभार्थी परिवार द्वारा ऐसे सुमंगल अवसर पर अपना मंगल उद्बोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जैनिज्म जैसा धर्म मिला, परम सौभाग्य है कि अहिंसा व्रत पालने का मौका मिला। प्रकृति का नियम है कि परिश्रम और सेवा, इसका प्रतिफल निश्चित मिलेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम भी इस तरह का कोई कार्य कर सकते हैं, फिर भी भगवान की आशीर्वाद रहा और हम इस कार्य को करने में आगे बढ़े। इसी बीच श्री जैन युवा फाउंडेशन जलगांव द्वारा प्रकाशित श्री सकल जैन समाज जलगांव डिजिटल डायरेक्टरी ऐप JYF जलगांव ऐप का भव्य लोकार्पण किया गया। बोलिए श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की। डिजिटल डायरेक्टरी ऐप बनाने का संकल्प किया और आज इस संकल्पना को हकीकत में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने लगे। तत्पश्चात मंच से इस डिजिटल डायरेक्टरी के बारे में सभा को जानकारी दी गई। आज के इस गतिशील ऑनलाइन युग में स्वधर्मी बंधुओं का विकास कैसे हो, स्वधर्मी को व्यापार में एक दूसरे से कैसे जोड़े, इस विषय को ध्यान में रखकर जीतो यूथ विंग ने JYJ डायरेक्टरी बनाने का निर्णय किया। जीतो यूथ की कोशिश है कि जैन समाज के अंतर्गत व्यापार की वृद्धि हो, हमारे स्वधर्मी भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध बनाया जाए, हर ज़रूरत के लिए अपनों को प्राधान्य दिया जाए। आने वाले वर्जन्स में हम चैटबॉट और AI के माध्यम से यह डायरेक्टरी का उपयोग सरल बनाने का प्रयास करेंगे। यह डायरेक्टरी जल्द ही सभी को निःशुल्क प्राप्त करवाई जाएगी। तत्पश्चात डायरेक्टरी का विमोचन किया गया। निर्माण में और ऐप के निर्माण में जैन इरिगेशन के सहव्यवस्थापकीय संचालक, डायरेक्टरी के निर्माण में जीतो यूथ विंग ने काफी एफर्ट्स लिए, परिश्रम लिए और ये अपने आप में एक बहु उपयोगी सिद्ध होगी। इसी दौरान मंच से सकल जैन संघ के अध्यक्ष श्री दलू भाऊ जैन का मंगल उद्बोधन हुआ। उनको याद करते हैं, उनका जन्म दिवस है और वह भी इतने बड़े आचार्य श्री की ये सामने हम कर रहे हैं, तो मैं आज यह धर्मा बगिया देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। इतने में ही कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत पद्म भूषण परम पूज्य श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहब का मंगलमय पदार्पण हुआ। इसी बीच भंवरलाल एवं कांताबाई जैन परिवार की ओर से पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित किताब का विमोचन किया गया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने अपनी मंगलवाणी से सभी भक्तों को कृतार्थ किया। चाहे संसार का क्षेत्र हो, चाहे संन्यास का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, हमने आज तक करीबन करीबन प्रभु की ताकत को अपनी ताकत नहीं मानी। चारित्र जीवन में हम सब आगे निकले, हमारी ताकत से नहीं उनकी ताकत से। हारिए नवी प्रभु बढ़ सके भगवान, यदि आपकी ताकत मेरे साथ हो
अर्जुन की ताकत कुछ नहीं थी, कृष्ण ने कृष्ण की ताकत, अर्जुन ने खुद की ताकत बना ली। एक और दुर्योधन के पास सैनिक जबरदस्त थे, संख्या में दुर्योधन आगे थे, मगर एक बात श्री अर्जुन ने बता दी कि भगवान अब एक कम करना, शस्त्र मत चलाना, मगर आप मेरी ताकत बन के मेरे साथ रहना। 18 दिन चलने वाले युद्ध का नतीजा क्या है आप सबको मालूम है, दुर्योधन हारा और अर्जुन जीत गया। अर्जुन की ताकत से नहीं, अर्जुन ने श्री कृष्ण को खुद की ताकत बना ली थी। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक, जलकाम की धन्य धरा पर आज पेंडाल में आप सबको देखने के बाद हर्ष के आंसू आ जाते हैं। मगर एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं, हम महावीर को मानते हैं, महावीर की कितनी मानते हैं? आपके भगवान कौन, आप बोल जाएंगे भगवान महावीर। आपके घर में किसकी मानते हो, महावीर की। आपके चौके में महावीर की, आपके कपड़े में महावीर की, आपके बिजनेस में महावीर की, आपकी शादी में महावीर की, आपके मित्र में महावीर की। आप बोल पाएंगे गुरुदेव मेरे चौके में आ जाओ, महावीर की बात मानते चौके में। आप बोलो कि गुरुदेव मेरे शरीर पे जो भी वस्त्र है वो महावीर की मानते हैं। हम टीवी में वही देखते जो महावीर ने हाँ बोली है, मोबाइल में वही देखते जो महावीर ने हाँ बोली है। वेर इज महावीर? महावीर को मानना बहुत आसान है, महावीर की मानना वही जन्म कल्याणक है। और फिर आई सायंकाल की मनोरम बेला, जिसमें वीतराग भवन लाल मंदिर में महावीर दिगंबर चैत्यालय ट्रस्ट द्वारा भगवान महावीर स्वामी झूला उत्सव का सुंदर आयोजन किया गया। मंगलाचरण गीत से सुंदर आयोजन का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात नन्ही सी एक बालिका की नृत्य प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। और फिर मंच से एक के बाद एक अनेक भजन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान कार्यक्रम परिसर में उपस्थित प्रत्येक भक्त भाव विभोर हो उठा और चहुं ओर श्री महावीर नाम गुंजायमान हो उठा। इसी बीच कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठी मान्यवर का परिवार सहित बहुमान किया गया,
जिनके द्वारा श्री वीर प्रभु को पालना झुलाने के क्रम का शुभारंभ किया गया। और फिर इस क्रम में अनेक भक्तों ने भगवान महावीर को पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान आयोजक मंडल के श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा कार्यक्रम के आयोजन को लेकर दो शब्द कहे गए। और यहाँ आकर भक्ति सुन के बहुत आनंद आ रहा है। पुनश्च एक बार आप सभी को जन्म कल्याण की बहुत बहुत बधाई। तत्पश्चात भक्तों ने मिलकर श्री वीर प्रभु की भव्य आरती उतारी। ऐसे में संपूर्ण मंडल भगवान महावीर के नाम के मंगल जयकारों से गूंज उठा और भक्त श्री वीर प्रभु की भक्ति में मग्न हो नृत्य करते हुए उनकी बाल छवि की बलैया लेते हुए पालना झुलाने लगे। ऐसे में अनेक मनभावन दृश्य इस दौरान प्रकट हुए। इस भव्य महामहोत्सव को लेकर आयोजक मंडल के मंगल भाव कुछ इस तरह रहे। तो दर्शकों, हमारी इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह की एक और विशेष प्रस्तुति में। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेन्द्र। पूरे भारतवर्ष में भगवान का महोत्सव बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जलगांव में हम सकल जैन संघ के द्वारा ये मनाते हैं। करीब करीब 2500 घर यानी 10,000 से 11,000 15,000 लोग जनसंख्या एक साथ यह बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पिछले कई वर्षों से यह परंपरा चली आई है। सकल जैन संघ की ओर से ही हम यह जन्म कल्याणक मनाते हैं। हर वर्ष समिति का एक अध्यक्ष होता है, बाकी सभी टीम और समितियां बनती है। सकल संघ से यह समितियां बनती है। बहुत आनंद उत्साह के साथ 5 दिन का यह महोत्सव इस वर्ष मनाया गया है। उसमें रैली है, सद्भावना रैली है, मतदान के हेतु मतदाता के लिए जन जागृति, अनेक प्रोजेक्ट्स, सांस्कृतिक महिलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम, वैसे व्याख्यान, चित्रकला, रंगोली, गहुली, बहुत सी स्पर्धाएँ प्रभु महावीर के ऊपर करीब करीब 20 से लगभग स्पर्धाएं होती है। और बहुत सुंदर तरीके से सभी समाज के सभी घटक इसमें भाग लेते हैं और बहुत अच्छे तरह से ये हम मनाते हैं। गर्व से कहना चाहता हूं कि ये परंपरा जलगांव समाज की, सकल जैन समाज की चारों संप्रदायों को लेके साथ में चलना और चारों संप्रदायों के सभी परिवार बहुत उत्साह के साथ मनाते आए हैं। कई सालों की ये परंपरा है और सकल जैन संघ में कभी भी जो भी अभी यहाँ आचार्य आते हैं, जो भी मुनिवर आते हैं, वो हम जलगांव का उदाहरण, जहाँ पे यहाँ से जहाँ विहार होने के बाद गांव गांव जाके जलगांव का नाम निकलता है, ऐसे जन्म कल्याणक मनाने का हमारी परंपरा पे हम सबको गर्व है। और ज़रूर हम पारस चैनल के थ्रू सभी को बताना चाहते हैं कि जब भी आप जलगांव आइए तो सकल जैन संघ और चारों संप्रदाय एक साथ कैसे साथ में चल सकते हैं, एक अच्छा उदाहरण देखने के लिए आपको मिलेगा। भगवान महावीर जन्म कल्याणक 2623 का अध्यक्ष पद मुझे दिया गया और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने ली है। और मेरे साथ जो टीम थी सभी ने खूब मेहनत की। हमारी सांस्कृतिक टीम हो, भाइयों की टीम हो, सभी ने खूब मेहनत के साथ इसमें काम किया है। सद्भावना रैली भी दिगंबर जैन समाज ने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। 19 और 20 ये दोनों दिन महिला सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड ब्रेक हुए। 21 तारीख का वरगोड़ा तारीफ़ काबिल था, हर चौक अलग अलग डिज़ाइनों से सजे हुए थे। और विशेष मंजे यहाँ विराजमान विजय रत्न सुंदर
सुरेश्वर जी महाराज साहब का 15 दिवस की रत्न प्रभात के नाम से श्रृंखला चल रही है और वो हमें सुनने के लिए मिल रही है। अलग अलग विषय पर गुरुदेव हमको व्याख्यान दे रहे हैं। पुनश्च एक बार सभी को आज के महावीर जन्म कल्याणक की बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।